तुमने तो रंग बहुत सफाई से भरा है। नमस्ते दीदी। नमस्ते प्रतिमा, तुम्हें आने में बहुत देर हो गई। आओ बैठो, कोई बात नहीं। प्रतिमा, आज देखो तुम्हारे साथ दो और नए तुम्हारे साथी पढ़ने आए हैं, ठीक है? और मैं तुम्हें इनसे मिलवाती हूँ। देखो, ये है स्नेहा और ये है सुमित। स्नेहा सुमित, ये है प्रतिमा, ठीक है? और सबसे पहले जब कोई मिलता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते भारती, आओ आओ आओ। कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, आज आपकी याद आई। हाँ, तो मैंने सोचा देखूं आप क्या पढ़ा रही हैं। तो वही मैं भी इन लोगों को सिखा रही थी कि जब कोई मिलता है तो उससे सबसे पहले हम क्या कहते हैं? हेलो करके उससे हम मिलते हैं, है ना? तो तुम्हारे ये जो दो नए साथी आए हैं, तो प्रतिमा इससे हम कहेंगे अम्मी सुमित, ये हेलो सुमित। और सुमित हेलो। और स्नेहा से क्या कहेंगे? हेलो स्नेहा। हेलो। ठीक है। और अब ये देखो तुम्हारी जो है भारती दीदी हमारे बीच में आई हैं, हैं? और ये जो है बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाती हैं। प्रतिमा तुम बताओ, तुम्हें कौन सा विषय बहुत पसंद है? मुझे इंग्लिश विषय बहुत पसंद है। अगर तुम्हें ये कहना हो कि मुझे अंग्रेजी विषय पसंद है तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई लाइक इंग्लिश, बोल के दिखाओ। आई लाइक इंग्लिश। वेरी गुड। अब देखो सभी बच्चों को ये विषय पसंद है तो हम साथ में क्या कहेंगे? बोलो चलो, वी लाइक इंग्लिश टू। अब इससे हमने क्या सीखा? अगर एक को पसंद है तो आई लाइक, और अगर सब बच्चों को भी विषय पसंद है तो वी लाइक। समझ में आया बच्चों? जी दीदी। स्नेहा तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है खाने में? दीदी मुझे लस्सी पसंद है। और अगर इसी को हम इंग्लिश में सीखें तो कैसे सीखेंगे? आई लाइक लस्सी। कैसे बोलेंगे? आई लाइक लस्सी। अरे वाह, अब तुम लोगों ने सीखा अगर हमको इसी चीज को इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक करके। लाइक और डिसलाइक होता है ना, पसंद और नापसंद। चलो बच्चों बताओ ये कौन सा रंग है? पीला। अरे बाप रे, सबको पता है और इंग्लिश में किसी को नहीं पता। चलो पीले को क्या कहते हैं? येलो। फिर से बोलो, येलो। अरे वाह, ये बताओ कौन सा कलर है? हरा। सब बच्चों को हिंदी में तो पता है, इंग्लिश में नहीं सीखा। चलो बोलो, ग्रीन। और यहाँ दिखाओ ग्रीन कलर का क्या है? देखो मैंने बॉल पहले से ले ली हरे रंग की। क्या कौन सा कलर है ये? ग्रीन। चलो ऐसा करते हैं बच्चों, तुम लोगों को कोई पोयम सिखाते हैं पहले कलर्स पे। जी दीदी। चलो पहले एक लाइन मैं बोलूंगी फिर तुम लोग बोलना। जी दीदी। I love colors. Yes, I do. Red and green, yellow and blue. I love colors. Yes, I do. Red and green, yellow and blue. मजा आया पोयम सीखने में? जी दीदी। चलो फिर तुम लोग ये बताओ किसने किस कलर की ड्रेस पहनी है? सुमित तुम्हारी शर्ट का कलर कौन सा है? नीला दीदी। अभी इतना सीखा फिर नीला दीदी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लू दीदी। अरे वाह, याद आ गया, अब ठीक से जान गए हो। जी दीदी। अच्छा ये बात बताना, अभी देखो दीदी ने तुम लोगों को एक पोयम बताई। जी दीदी। तो मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि इस पोयम में कौन कौन से रंग थे, कौन कौन से कलर थे, याद है? जी दीदी। अच्छा स्नेहा एक रंग तुम बताना, एक तुम बताना, और प्रतिमा और तुम बताना, ठीक है? स्नेहा बताइए कौन सा रंग था? लाल। अभी दीदी ने इसको क्या कहा था? रेड। लाल यानी रेड कलर। सुमित तुम? हरा। हरा को क्या कहते हैं? ग्रीन। ठीक है, और बाकी कौन से कलर थे? येलो एंड ब्लू। वेरी गुड। देखा प्रतिमा ने, लगता है दीदी की पोयम को बहुत ध्यान से सुना था। अब आगे जो बातें बताएंगी ना दीदी, तुम लोगों को भी बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है? चलो फिर तुम लोग ये बताओ किसने किस कलर की ड्रेस पहनी है? सुमित तुम्हारी शर्ट का कलर कौन सा है? नीला दीदी। अभी इतना सीखा फिर नीला दीदी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लू दीदी। अरे वाह, याद आ गया, अब ठीक से जान गए हो। पहले तो ये जानते हैं किसको कौन सा खेल पसंद है, ठीक है? और सुमित अगर तुमसे मैं पूछूं तुम्हें क्या पसंद है तो तुम क्या कहोगे? आई लाइक तैरना एंड पतंग उड़ाना।
वाह बच्चों, आधी इंग्लिश और आधी हिंदी। तो लगता है अभी जो है सुमित को पतंग उड़ाने की और तैरने की अंग्रेजी नहीं आती है। देखो सुमित, तैरने को हम क्या कहते हैं? स्विमिंग। बोलो, स्विमिंग। वेरी गुड। और पतंग उड़ाने को टू फ्लाई अ काइट। टू फ्लाई अ काइट। चलो अच्छा, ऐसा करते हैं पहले काइट के बारे में ही कुछ बातें कर लेते हैं। और चलो, जो जो पोयम सिखाएंगी आप लोगों को उसको याद रखना होगा जी दीदी, हैं? और घर जाके उसको फिर से दोहराना होगा जी दीदी। चलो बच्चों, एक लाइन मैं बोलूंगी और दूसरी लाइन आप लोगों को बोलूंगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों। चलो, ओ हाउ आई लव टू फ्लाई अ काइट, ओ हाउ आई लव टू फ्लाई अ काइट, ऑफ डिफरेंट शेड्स एंड कलर्स ब्राइट, ऑफ डिफरेंट शेड्स एंड कलर्स ब्राइट, some red some green some yellow or blue, some red some green some yellow or blue, I fly them all be old or new, I fly them all be old or new, they float in the sky and up they go, they float in the sky and up they go, they obey me and never say no, they obey me and never say no। अच्छा, पहले हमने जो पोयम सीखी है उसका मीनिंग तो जान ले हिंदी में कि हमने क्या सीखा है। जी दीदी। Oh how I love to fly a kite, इसका मतलब ये है कि मुझे पतंग उड़ाना, आई लव टू फ्लाई अ काइट, जैसे तुमने कहा था ना तुम्हें पतंग उड़ाना बहुत पसंद है जी दीदी, तो मुझे पतंग उड़ाने से बहुत प्यार है, मैं कितने अच्छे से पतंग उड़ा सकता हूँ। ऑफ डिफरेंट शेड्स एंड कलर्स ब्राइट, और इसमें तरह तरह के कलर्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, अभी आपने कलर्स सीखे थे जी दीदी, और अलग अलग शेप भी होते हैं, होते हैं ना पतंगों के, सम रेड सम ग्रीन सम येलो और ब्लू, कुछ लाल रंग की होती हैं, कुछ हरी होती हैं, कुछ पीली होती हैं और कुछ नीली होती हैं। आई फ्लाई देम ऑल बी ओल्ड और न्यू, और हम सब पतंगे उड़ाते हैं, चाहे वो पुरानी हो और या तो नई हो, दोनों तरह की पतंगे उड़ाते हो ना। दे फ्लोट इन द स्काई एंड अप दे गो, वे आसमान में तैरती हैं और हमेशा ऊपर की ओर जाती हैं, जाती हैं ना पतंगे। दे ओबे मी एंड नेवर से नो, वो हमारी आज्ञा का पालन करती हैं और हमेशा ऊपर की ओर उड़ती जाती हैं। देखा बच्चों, कितनी सुंदर पोयम थी। ये पोयम किसके ऊपर थी? काइट के ऊपर। सबसे बड़ी बात क्या थी, इसमें भी बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल किया गया था जी दीदी। कि काइट के कौन कौन से रंग थे इसमें, बताओ जरा दीदी। तुम बताओ एक थोड़ा। रेड। रेड। आप बताइए सुमित। ग्रीन। ग्रीन। स्नेहा। ब्लू। अच्छा, एक और येलो। येलो। अच्छा, अगर पोयम सीखी है तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दो, दोगे? जी जी दीदी। देखते हैं किसने क्या क्या सीखा, एक एक जवाब देना बस जी दीदी। ये बताओ, आसमान में और कौन सी चीजें पतंगों के अलावा उड़ती हैं? पहले कौन बताएगा? पहले स्नेहा बताएगी क्या उड़ता है। पतंग के अलावा आसमान में बहुत सारी चिड़िया भी उड़ती हैं। ये देखो, ये क्या है? चिड़िया। और चिड़ियों को क्या कहते हैं? बर्ड्स। अरे वाह, ये तो तुम्हें पता है। और इस प्लांट पे क्या है, बर्ड्स है कि नहीं है? देखते हैं प्रतिमा बता पाती है कि नहीं। प्रतिमा ने बड़े डरते डरते हाथ उठाया था। चलो प्रतिमा, तुम बताओ। हवाई जहाज। अरे वाह, हवाई जहाज। आप भी यही बोलने वाले थे? नहीं दीदी। हाँ, मैं गुब्बारे बोलने वाला था। वेरी गुड, मैं भी यही सोच रही थी कि सुमित जो है गुब्बारे जरूर बोलेगा। देखा दीदी, अब इनको अगर ये पता है गुब्बारे उड़ते हैं तो चलो तुम मुझे अब एक पोयम सुनाओ। मैं तो सुना सुना कर थक गई। आती है तुम्हें कोई कविता? जी दीदी। चलो, आसमान में उड़ते सारे रंग बिरंगे ये गुब्बारे, हरे गुलाबी नीले पीले उजले काले रंग रंगीले, लगते कितने प्यारे प्यारे रंग बिरंगे ये गुब्बारे। अरे वाह, तो हमने भी जो है अपने बच्चों को कुछ चित्र बनाने को दिए थे। अच्छा। देखो किसने बनाया गुब्बारे? दीदी मैंने। देखे देखे देखे। अरे वाह, ये देखिए। अरे ये सुमित ने बनाया है। ये देखिए कितना सुंदर गुब्बारे बनाए हैं, क्योंकि इसको सुमित को बहुत पसंद है ना सुमित? जी दीदी। और देखिए कितने सुंदर इसमें इसने रंग भरे हैं।
प्रतिमा ने क्या बनाया है ये? पतंग। अभी पतंग के बारे में भारती दीदी ने तुमको बताया? जी दीदी। ये आसमान में उड़ती जाती है, कभी नहीं नहीं करती है, हमेशा हमारा कहना मानती है। और स्नेहा आपने क्या बनाया? पेड़ दीदी। वो देखो लगता है तुमने मैंगो भी बनाया है सुमित की। सुमित को देखो पसंद था ना सुमित तुम्हें? जी दीदी। तुमने कहा था ना मुझे आम पसंद है, ये देखो स्नेहा ने कितना सुंदर आम बनाया है। और ये पता है कैसा आम है? पका हुआ आम है। इसमें कौन सा कलर भरा है? पीला। पीला, पीले को क्या कहते हैं? येलो। वेरी गुड। सीख गए हैं बच्चे की। और इसकी, और इसकी पत्ती देखो किस कलर की है? हरा। ग्रीन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से रंग भरे हुए हैं? येलो और ग्रीन। ग्रीन। चलो बच्चों एक चीज और सीख लेते हैं इस पोयम के साथ हम। वो ये सीखते हैं जैसे हमने बोला था ना काइट, ब्राइट, ऐसे वर्ड्स आए थे ना जिनकी आवाज बाद में एक जैसी ही होती है, एक जैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक ही जैसे साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड्स। तो काइट से मिलते हुए कुछ वर्ड्स हम सीखते हैं। पहले मैं बोलूंगी फिर तुम लोग बोलना, ठीक है? जी, चलो समझ में आ रहा है? जी। काइट, काइट। ब्राइट, ब्राइट। लाइट, लाइट। माइट, माइट। राइट, राइट। टाइट, टाइट। नाइट, नाइट। एंड फाइट, 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 फाइट। वेरी गुड बच्चों। इंग्लिश में भी बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको पढ़ते हैं तो उनका उच्चारण एक ही जैसा होता है। जैसा कि तुम्हारे भारती दीदी ने बताया काइट, ब्राइट, टा निकल रहा है, इसको हम कहते हैं सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आज तो देखो बहुत सारी पढ़ाई हो गई है, रंगों के बारे में भी हो गया और गेम्स के बारे में भी हो गया और पोयम भी तुम लोगों ने सीख ली। तो चलो बच्चों गेम के लिए तैयार हो? जी दीदी। देखो मैंने इस डब्बे में, ठीक है, बहुत सारी चीजें, इनको तो पता है ना तुमको इसको क्या कहते हैं? जी दीदी। पहचानते हो ना? जी दीदी। ठीक है, तो अब तुम लोगों को क्या करना है कि आंख बंद करके इसमें से एक चीज उठानी है और उसको तुम लोगों को इंग्लिश में बताना है कि तुम लोग उस चीज को पसंद करते हो कि नहीं पसंद करते हो। जैसा कि भारती दीदी ने बताया कि जिसको पसंद करते हैं उसको क्या कहते हैं? आई लाइक। और जिसको नहीं पसंद करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आई डोंट लाइक। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले स्नेहा आप अपनी आंखें बंद करिए, इसमें से एक चीज उठाइए और फिर उसको इंग्लिश में बताइए कि आपको वो चीज पसंद है कि नहीं पसंद है। लेमन। ये क्या है? नींबू। नींबू है। नींबू आपको पसंद है? नहीं दीदी। नहीं पसंद है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे? आई डोंट लाइक लेमन। अरे वाह, इन बच्चों ने तो बहुत जल्दी सीख लिया आई लाइक और आई डोंट लाइक। वेरी गुड, वेरी गुड स्नेहा। ठीक है, अब देखो सुमित की बारी है। सुमित अपनी आंखें बंद करके इसमें से कुछ उठाओ। अरे बाप रे, मिर्ची। मिर्ची तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं पसंद है? नहीं दीदी। तो अब आप इसको कैसे इंग्लिश में बताएंगे हम सभी लोगों को कि आपको मिर्ची नहीं पसंद है? आई डोंट लाइक मिर्ची। अरे वाह, मिर्ची को नहीं जानते इंग्लिश में क्या कहते? नहीं दीदी। मिर्ची को कहते हैं चिली। क्या कहते हैं? चिली। तो क्या बोलेंगे? आप बताओ क्या बोलते हैं? आई डोंट लाइक चिली। वेरी गुड। अब प्रतिमा की बारी आई है। प्रतिमा इसमें से एक उठाओ और उसको बताओ कि तुमको वो चीज पसंद है कि नहीं पसंद है। अपनी आंखें बंद करो। प्रतिमा चीटिंग हो रही है लग रहा है। आलू। मुझे आलू तो बहुत पसंद है दीदी। अरे वाह, आलू तुम्हें बहुत पसंद है दीदी। तो तुम्हें आलू पसंद है, इसको तुम इंग्लिश में कैसे बोलोगी? आई लाइक आलू। फिर से वही गलती, आलू नहीं जानती क्या कहते हैं आलू को? नहीं दीदी। ओ, आलू को क्या कहते हैं? पोटैटो। क्या कहते हैं? पोटैटो। पोटैटो, पोटैटो। तो आप कैसे पूरा सेंटेंस बोलेंगे? आई लाइक पोटैटो। वेरी गुड। ये बच्चे तो भाई बहुत होशियार हैं। तो इनको हमने सिखाया तो इन्होंने सीख लिया और भारती दीदी ने क्योंकि अच्छे से बताया था ना इसलिए इन बच्चों ने सीखा है। तो बच्चों तुम लोगों को याद रहेगा? जी 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 दीदी। तो प्रतिमा आलू को क्या कहते हैं? पोटैटो। और मिर्चा को? चिली। और नींबू को? लेमन। लेमन कहते हैं। तो भारती जी मेरे पास एक और चीज रखी है, बच्चों इसको क्या कहते हैं? टमाटर। टमाटर क्या तुम लोग को पसंद है? जी दीदी। पसंद है? तुमको नहीं पसंद है? नहीं दीदी। तो टमाटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोमेटो।
अरे वाह, पता था पहले से जी, काफी कुछ इन लोगों को पता है क्योंकि बीच बीच में पढ़ाती रहती हूँ, तो इन लोगों ने सब पता तो है कि आलू टमाटर किसे कहते हैं, तो इसको कैसे कहेंगे? आई लाइक टमाटो। और तुमको तो नहीं पसंद है, तो तुम कैसे बोलोगी? आई डोंट लाइक टमाटो। वेरी गुड भारती, जिस तरह से आज आपने हमारे बच्चों को बताया कि चिड़िया है उसको बर्ड्स कहते हैं, काइट है उसको हम हिंदी में पतंग भी कहते हैं, जिसको और सब बातें आपने बताई, तो हम ये कहते हैं कि अगर सभी अध्यापक लोग इस तरह से अगर हमारे इस TLM को इस्तेमाल करते हुए छात्रों को किसी भी विषय का ज्ञान अगर देते हैं, तो वो विषय हमारे सभी छात्रों के लिए जो है रुचिकर बन जाता है।